वेलकम बैक। एक बार बहुत बहुत स्वागत है टेक बाइक में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर बात किया था कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, उसके क्या की फीचर्स होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर 2012R2। देखिए, जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए मिनिमम, उसकी रैम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर 2012R2, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं और उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेड। तो पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो है वो मिनिमम आपका 1.4 GHz होना चाहिए, और जो माइक्रोसॉफ्ट जो रिकमेंड करता है कि आपको कम से कम 2 GHz या उससे ऊपर होना चाहिए। बात करते हैं हम रैम की। रैम जो है मिनिमम आपका 512 MB होना चाहिए, और रिकमेंडेशन जो है वो 2 GB। नेक्स्ट जो है हमारा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो है वो आपका मिनिमम 32 GB होना चाहिए, और रिकमेंडेशन जो है वो है 40 GB या उससे ऊपर। और आपका जो है ऑप्टिकल ड्राइव, मींस आपका डीवीडी रोम का होना जरूरी है। अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास डीवीडी रोम का होना जरूरी है, उसके बिना आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये भी आप एक का हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हमारे को विंडोज सर्वर 2012R2 को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।